हेलो हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू बी वाई पी बाय यहीं पढ़ेगा। आई एम प्रियांशी, द आई आई टीयर हु लव्स बायोलॉजी एंड टीचर्स इट टू। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है एनिमल टिश्यू का मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। और अब बात आ गई है हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि वही तो है रीज़न कि हमारी बॉडी एक एक पीस में है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं कैसा कैसा चल रहा है अंदर, क्या क्या टाइप है उसके, और वो अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग अ वेरी क्विक रिकैप ऑफ व्हाट टू स्टडी ऑलरेडी। तो हम लोग ने पढ़ा था कि एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, जो कि हमारी बॉडी, जो कि एक बहुत पोजेसिव मम्मी है, उसकी विशेस को पूरा करता है बाय कवरिंग एवरीथिंग, है ना। तो वो हमारे ऑर्गन्स को कवर कर देता है, हमारी पूरी बॉडी को कवर कर देता है, हमारे ब्लड वेसल्स को कवर कर देता है, और पता नहीं किस किस को, हर चीज़ को कवर करके रखा है एपिथेलियल टिश्यू ने, है ना, जो कि एक बहुत प्रोटेक्टिव टिश्यू हमारे लिए, है ना। नेक्स्ट था नर्वस टिश्यू, जो कि एक चुगलखोर आंटी की तरह बॉडी के साथ जो भी होता था फटाक से जाके ब्रेन को बताता था, है ना। पर वो जैसे आंटियाँ लोग बहुत तेज से बहुत फास्ट स्प्रेड होती है ना रूमर, बिल्कुल वैसे ही एकदम इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू बिजली की रफ्तार से ट्रैवल करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। नेक्स्ट था मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या था? मस्कुलर टिश्यू एक ऐसा टिश्यू था जो कि हमारी सारी मूवमेंट के लिए हेल्प कर रहा था, हमको डांस करवा रहा था, हमको दौड़वा रहा था। जैसे मम्मी पीछे आती हैं तो हम लोग को भागना होता है ना, तो हम लोग इसके कारण दौड़ पाते हैं। नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू को ना मैंने लास्ट मैसेज होगा था, बिकॉज इसको लेके काफ़ी बच्चों को थोड़ा थोड़ा परेशानी होता है, तो आई थॉट कि आराम से एक मैदान से कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे हम लोग, और आज वो लकी डे आ गया है जब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को उसका मस्ट डिजर्विंग भाव देंगे, ठीक है। चलो तो शुरुआत कर देते हैं भाई। कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू के तो नाम से समझ आ रहा है कि इसका फंक्शन क्या होगा। क्या है? कनेक्ट करना वेरियस बॉडी पार्ट्स को, है ना। जैसे पहले एक ऐड आता था आइडिया का, कनेक्टिंग इंडिया, या शायद किसी और मोबाइल ब्रांड का था, आई डोंट रिमेम्बर, पर ओके, वो कनेक्ट करा था इंडिया को। बिल्कुल वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है हमारे पूरे के पूरे बॉडी को, ठीक है। पर सबसे पहले कि बॉडी को कनेक्ट करने की ज़रूरत ही क्या है, व्हाट इज़ द नीड? ओके, इसके लिए आई वांट टू इमेजिन कि तुम लोग अभी बच्चे हो ना, तुम लोग अभी 9th क्लास में हो, पर तुम लोग ठीक है, थोड़ा तो कर सकते हैं ऐसा सब, ठीक है। हाँ, तो अभी तो तुम लोग बच्चों, पर तुम लोग बड़े होके कॉलेज आओगे ना। जैसे मैं गई थी IIT खड़गपुर में, तो IIT खड़गपुर इज समवेयर हियर, MP यहाँ पर है ना, यहाँ पर मेरे मम्मी पापा लोग रहते हैं, यहाँ पर मेरा घर है, और यहाँ पे था मेरा कॉलेज। तो भाई जब ऐसा हो गया ना, तो हम लोग को बहुत ज़रूरत है कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। मेरे मम्मी पापा को बड़ी फिक्र होती थी कि मेरी प्यारी सी बच्ची इतनी दूर है, तो हम लोग कैसे कनेक्टेड रहते थे? हम लोग यूज़ करते थे मोबाइल फ़ोन, है ना, ताकि मैसेजेस यहाँ से वहाँ हो जाए। मोबाइल फ़ोन का मैसेजेस को ऐसे हम लोग समझ सकते हैं जैसे कि नर्वस टिश्यू इंफॉर्मेशन को करती है यहाँ से वहाँ, है ना। ओके, तो हम लोग को ज़रूरत थी मोबाइल फ़ोन की, ठीक है। और हम लोग को क्या ज़रूरत थी? हम लोग को ज़रूरत थी कि कोई ऐसा हो जो कि यदि हम लोग को कोई और चीज़ चाहिए हो, यहाँ से वहाँ पे करना है, तो कोई हो जो हम लोग की इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करवा सके, ठीक है। जैसे कि एक बार क्या हुआ था, तीज में ना मम्मी ने खूब अच्छे अच्छे स्नैक्स बनाए थे एंड आई वाज ड्रूलिंग, तो आई एम लाइक मम्मा प्लीज़ सेंड करो। तो मेरी मम्मी ने क्या किया, मम्मी गई पोस्ट ऑफिस, ठीक है। कहाँ गई मम्मी? पोस्ट ऑफिस में। और मम्मी ने उन सबको पैक करके पार्सल भेज दिया मेरे पास, पार्सल आ गया मेरे तक, है ना। तो हम लोग को कनेक्ट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक था, पोस्ट ऑफिस। तो ये जो पोस्ट ऑफिस है ना, ऐसे हमको हमारी बॉडी में भी चाहिए होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स भी ना एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, और उनको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है एक दूसरे से, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, फूड एंड वेस्ट, इन सब के लिए ना हमारे पास भी एक अपना हमारी बॉडी का एक डेडिकेटेड पोस्टमैन होता है, ठीक है। उस पोस्टमैन का नाम है ब्लड, ठीक है। ब्लड ही यहाँ वहाँ से, यहाँ की चीज़ें वहाँ लेके रख के आता है, वहाँ की चीज़ें यहाँ पे रख के आता है, ठीक है, कूल। नेक्स्ट व्हाट इज़ नेक्स्ट? मैकेनिकल सपोर्ट। भाई हमारे बॉडी में कितने डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, हमारा एक प्यारा सा नाजुक सा दिल है जो कभी भी टूट जाता है और हमारे पास एक दिमाग है, तुमने कभी दिमाग को पकड़ा, ऐसे पकड़ोगे ना तो फड़फड़ उंगलियों के बीच से गिर जाएगा, इतना नाजुक है पर इतना अमेजिंग है, है ना। तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट ब्रेन के ऊपर है, है ना। तो इतने इतने कीमती कीमती ऑर्गन्स को, जिनको इतना मेहनत से बनाया गया है, जो इतने नाजुक नाजुक हैं, उनको प्रोटेक्शन देनी होगी, है ना, उनको मैकेनिकल सपोर्ट देना होगा, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा।
उनको कौन बनाता है स्ट्रॉन्ग? उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है बोन और कार्टिलेज, जो कि है एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, नेक्स्ट इज सीमेंटिंग वॉल। भाई यदि मान लो मैं घर बना रही हूँ और मैं बस ईंटों को ऐसे ऐसे रख दूंगी, ठीक है, तो क्या मेरे घर की दीवार मजबूत हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। मेरे को यदि इसको सच में मजबूत बनाना है तो मेरे को इसमें एक और चीज़ करनी होगी। क्या? मेरे को इसके बीच में भरनी होगी सीमेंट, है ना। तो सीमेंट भरना होगा मेरे को, तभी ये पूरी दीवार जुड़ी रहेगी एक दूसरे से, राइट। वैसे ही ना हमारी बॉडी में हमने खूब सारी चीज़ें रख दी हैं, जैसे कि हमने रख दिया है बोन्स, फिर हमने रख दिया है मसल्स, फिर हमने रख दिया है हमारी स्किन, है ना। तो इन लोगों को, इन तीनों को भी ना जोड़ के रखना पड़ता है। ऐसा नहीं हो कि कोई स्किन पकड़ रहा है तो पूरा का पूरा स्किन निकल आया, नहीं नहीं इनको जोड़ना पड़ता है ना, इनके बीच में सीमेंट लगानी पड़ती है। तो एक कनेक्टेड टिश्यू है जिसका काम यही होता है, सीमेंट भरना। ओके, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, ये सारे टाइप्स हम लोग को ये सब पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले ब्लड को, फिर बोन को, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, एडिपोस एंड एरियोलर। आई नो नाम अभी कुछ कुछ भयानक से लग रहे होंगे, बट डोंट वरी, हम लोग एक एक करके सबको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से निपटाएंगे। तो भाई कनेक्टेड टिश्यू के बारे में ना एक बात है कि जो भी कनेक्टेड टिश्यू होता है ना उसके पास तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि तुम यदि हो एक इंसान, तो तुम्हारे पास भी कोई रिक्वायरमेंट्स होंगे इंसान बनने के, है ना। वैसे ही जैसे कि लेट्स से ब्रेन डेवलप होना चाहिए, तुम्हारा स्पीच शुड बी अ पर्टिकुलर वे, यू शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस विद अदर ह्यूमंस। तो वैसे ही कनेक्टेड टिश्यू के पास भी कुछ कुछ क्राइटेरिया है जिसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि ये टिश्यू कनेक्टेड टिश्यू है, ठीक है। क्या क्राइटेरिया है? तीन चीज़ें हैं जो कि की हैं सारे के सारे कनेक्टेड टिश्यू की। वो है नंबर वन मैट्रिक्स या फिर ग्राउंड सब्सटेंस, नंबर टू फाइबर्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, नंबर थ्री सेल्स। अब ये क्या है, चलो देख लेते हैं हम लोग। इसके लिए इमेजिन ये मैगी को, मुँह में पानी आ रहा है क्या? मेरे को भी आ रहा है। वी शुड यूज सम अदर पिक्चर, है ना, ठीक है। एनीवे, तो लेट्स अस्यूम कि ये जो मैगी का बोल है ना, इसमें जो सूप है ये है अपना मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब क्या यार? देखो, जैसे तुम लोग रहते हो इस दुनिया में, तो तुम लोग के आसपास का भी तो कोई एनवायरनमेंट है। हमारे आसपास में हमारे आसपास वाले एटमॉस्फेयर में क्या है? हवा है। वैसे ही सेल का भी एक एनवायरनमेंट होता है। सेल के आसपास भी कुछ एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। तो जो सेल के आसपास एटमॉस्फेयर है उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है। तो जो मैगी का ये सूप है ना, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स, ओके। और इसमें पड़े होते हैं कुछ कुछ मैगी के मैगी नूडल्स भी, है ना। तो ये नूडल्स को ऐसे समझ सकते हैं हम लोग जैसे कि हो ये फाइबर्स, ठीक है, प्रोटीन के फाइबर्स, ठीक है। जो यदि तुम कनेक्टेड टिश्यू होते ना, तो तुम्हारे पास एक सूप होता जो कि है तुम्हारी मैट्रिक्स, फिर तुम्हारे आसपास ना कुछ कुछ फाइबर्स पड़े होते होंगे, ठीक है, जो कि प्रोटीन के बने। फिर तुम यहाँ पे जैसे मैगी में मटर होते हैं, वैसे तुम लोग छोटू छोटू सेल्स हो गए, ठीक है। और ये सेल्स क्या कर रहे हैं? ये सेल्स काम कर रहे होते हैं, है ना। तो कनेक्टेड टिश्यू में क्या क्या होता है? सेल्स होते हैं, ऑब्वियसली सेल्स के बिना कैसे काम चलेगा, प्लस मैट्रिक्स प्लस फाइबर्स, ठीक है। अभी जो मैट्रिक्स है ना भाई, ये अलग अलग कनेक्टेड टिश्यू में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि यदि वो कनेक्टेड टिश्यू है ब्लड, तो ब्लड का मैट्रिक्स ना खूब पनियल होता है, वेरी फ्लूइडी, ओके। बट यदि वो कनेक्टेड टिश्यू है बोन, तब तो हम लोग को उसको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, है ना। क्या होता है, उसके मैट्रिक्स में ना आके कैल्शियम चिपक जाता है, फॉस्फेट चिपक जाता है, ठीक है। कैल्शियम पता है तुम लोग को? चूना, जिसे वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं दिवाली में, है ना, पहले तो उसको यूज़ किया जाता था। तो वो जो कैल्शियम है, वो चूना आके हमारे बोन के मैट्रिक्स में चिपक जाता है, ठीक है, इसलिए बोन बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है, राइट। सो मैट्रिक्स कैन बी फ्लूइडी जैसे कि ब्लड में होता है, और इट कैन बी हार्ड जैसे कि होता है बोन्स में, ठीक है। कनेक्टेड टिश्यू के थोड़े थोड़े कॉमन फीचर्स क्या है? सेल्स आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब जो सेल्स हैं, अपना जो मटर है वो एक दूसरे से दूर दूर है। हमने देखा था एपिथेलियल में एकदम ऐसे चिपक चिपक के खड़े थे ना सबके सब, बिल्कुल किसी को कोई स्पेस ही नहीं मिली थी, किसी को पर्सनल लाइफ ही नहीं थी। पर कनेक्टेड टिश्यू में ऐसा नहीं है, ठीक है। कनेक्टेड टिश्यू के लोग आराम से दूर दूर खड़े हैं, ठीक है, ऐसे से आराम से खड़े हैं, ठीक है, काफ़ी जगह है दोनों के बीच में, और इन सब के अराउंड कोई एक मैट्रिक्स है ना, कुछ कुछ इनके आसपास की इन्वायरमेंट है, जिसको हम लोग बोल देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, है ना, बढ़िया। मैट्रिक्स के पास फाइबर्स भी होते हैं, कुछ कुछ रेशे भी पड़े होते हैं, है ना, जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, ऐसे रेशे पड़े होंगे, है ना, ठीक है। मैट्रिक्स कैन बी जेली लाइक, मैट्रिक्स जेली लाइक हो सकती है, फ्लूइडी हो सकती है जैसे कि ब्लड में, और डेंस भी हो सकती है या रिजिड भी हो सकती है ना। रिजिड मतलब कि जो कड़ा है काफ़ी, है ना, तो ये हो सकता है
जैसे कि ब्लड की मैट्रिक्स है फ्लोइडी और बोन की है हार्ड। ठीक है, सबसे पहले हम उठा लेते हैं ब्लड को, विच इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड तो भाई अपना है पोस्टमैन, डाकिया डाक लाया, ये डाकिया है। ठीक है, क्या करता है ये चीज़ों को यहाँ से उठा के वहाँ करता है। इस ब्लड में अपना जो पोस्टमैन है उसकी बॉडी में होते हैं तीन इंपॉर्टेंट सेल्स। ठीक है, नंबर वन इज RBC, नंबर टू इज WBC या वाइट ब्लड सेल्स, नंबर थ्री इज प्लेटलेट्स। तो अब ये क्या लोग हैं भाई, देख लेते हैं हम लोग। RBC या रेड ब्लड सेल ये ना क्या करता है, इसके पास होता है एक चीज़ जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। अच्छा तुमने इसका स्ट्रक्चर देखा है कैसा दिखता है ये, चल देखते हैं। ये देखो ये अपना ब्लड है। ठीक है, और ये जो बड़ा सा सेल दिख रहा है ना डोनट टाइप का, ये है अपना RBC। ठीक है, ये वाला RBC है। कैसा दिखता है ये, ऐसा दिखता है कि किसी ने ना एक रेड कलर का फुग्गे को फुलाया है और उसको दोनों तरफ से पंच कर दिया। तो देखो इसके यहाँ पे गड्ढा हो गया है ना, ये गड्ढा हो गया इस समय। ठीक, किसी ने पंच कर दिया यहाँ से भी, आगे से भी, पीछे से भी, तो बीच में गड्ढा हो गया, ऐसा दिखता है। ठीक है, अपना RBC। तो ये जो गड्ढा है ना यहाँ पे ना, इसके पास होता है एक कॉम्पोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और जो हीमोग्लोबिन है ना ये ऑक्सीजन का बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर कर दिया ना, तो हीमोग्लोबिन बोलता है अरे बहन आओ मेरे पास, चलो हम लोग बॉडी की टूर करेंगे, हम लोग चलो थोड़ा घूमने चलते हैं, चलो यहाँ पे देख के आए कि आसपास क्या चल रहा है, गॉसिप लेके आए नहीं। ठीक है, तो उन लोग सब में उन लोग ना हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और वो लेके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की तरफ चला जाता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो RBC बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बॉडी। ठीक है, इसके अलावा RBC ही है वही कारण कि हमारा ब्लड दिखता है लाल लाल लाल। ठीक है, रेड क्यों दिखता है, क्योंकि हमारे पास है, हमारे ब्लड में है RBC, नाम से समझ आ रहा है यार, रेड ब्लड सेल है ना। दूसरा है वाइट ब्लड सेल। अब इसका नाम तो वाइट है पर ये वाइट नहीं दिखता है, इन लोग होते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, पर इन लोग करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम। हमारा जो ब्लड होता है ना उसमें क्या ना 55% लिक्विड होता है। ठीक है, मतलब ये जो सारी सेल्स है ना ये पानी में, पानी के अंदर तैर रहे होते हैं। ठीक है, पानी में, पानी के अंदर एम्बेडेड होते हैं। ये जो पानी है ना, इसके पानी को, ब्लड के पानी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, जो कि थोड़ा पीला पीला होता है, ये देखो दिख रहा है ना पीले कलर का होता है। ठीक है, और 55% ऑफ द ब्लड का वॉल्यूम इज प्लाज्मा। ठीक है, 55% प्लाज्मा होता है और 45% होती है हमारी ब्लड सेल्स है ना। तो जो ब्लड सेल्स भी है ना इसमें से सबसे ज़्यादा होती हैं RBCs, इसलिए तो ब्लड रेड दिखता है। उसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स भी है, पर तुम लोग देखो ना कितनी सारी इस फोटो में कितनी सारी RBC दिख रही है, वाइट ब्लड सेल तो बहुत कम दिख रही है ना, कुछ 1% से भी कम होती हैं वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स है ना, भले ये लोग कम है पर ये बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं। पता है क्या, हमारी बॉडी की रक्षा। तुम लोग को पता है हम लोग अभी आसपास, हमारे आसपास ना हवा में खूब सारी बैक्टीरिया घूम रही है, और हम लोग जब सांस लेते हैं ना तो ये सारी बैक्टीरिया अंदर घुस जाती है, और जैसे ही अंदर घुसी ना तो हमारा वाइट ब्लड सेल ऐसे जाता है बिल्कुल ऐसे स्पाई की तरह की, वो चेक करता है हर सेल को जो हमारी बॉडी में है कि ए क्या तुम प्रियांशी की बॉडी की सेल हो, हाँ ठीक है प्रूफ दिखाओ, तो प्रूफ मांगता है वो। ठीक है, और वो सब सेल के पास जाके पूछता है, और जो भी सेल उसको लगता है कि ये अपनी बॉडी सेल नहीं है ना वो उसको उड़ा देता है। ठीक है, यदि बैक्टीरिया कोई बदमाश सी बैक्टीरिया घुस गई हमारी बॉडी के अंदर तो बोले तुम मेरे को चकमा नहीं दे सकते, और वो उसको उड़ा देता है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग को बहुत सारे डिजीजेस नहीं होते हैं, है ना। तो ये अपना सोल्जर है अपनी बॉडी का। ठीक है, इम्यूनिटी की प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, RBC इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हम लोग को, हमारी रक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स बहुत चुन्नू मुन्नू से सेल्स होते हैं। ये देखो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस डायग्राम में, ये देखो ये दिख रहा है अपन को प्लेटलेट, बहुत चुन्नू मुन्नू। और पता है ये क्या करता है, ये ना क्लॉटिंग में मदद करता है। क्या हो गया ये क्लॉटिंग, क्लॉटिंग भाई तुम लोग देखते हो, तुम लोग कभी भी चोट लग जाती है ना, और चोट लगी तो ब्लड आने लगा, तो कुछ देर ब्लड आता है पर उसके बाद अपने आप ही ब्लड आना रुक जाता है ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना प्लेटलेट्स अपनी लाइफ की कुर्बानी दे देती हैं इस बात के लिए कि वो ब्लड का रोकना बंद कर सकें। ठीक है, जैसे मान लो ये अपनी ब्लड वेसल है, ठीक है, इसके अंदर खून दौड़ रहा है खून, ठीक है, और अपन को खून बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, तो ये जो अपना कीमती खून है ये दौड़ रहा है अपनी ब्लड वेसल के अंदर। पर मान लो कोई आदमी है जो कि गिर गया, ठीक है, ये आदमी है, ये बहुत सैड है क्योंकि ये बेचारा गिर गया है ना,
तो क्या हुआ, इसकी ब्लड वेसल में यहाँ पे लीकेज आ गया और यहाँ से खून बहने लगा। ठीक है, यहाँ से ब्लड बाहर आ रहा है। ठीक है, तो पर अभी अपना ये ब्लड तो बहुत कीमती है यार, हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लड को लॉस नहीं कर सकते, है ना। तो क्या हुआ, अपनी प्लेटलेट्स आती है, बोलती है डोंट वरी आई हैव गॉट इट कवर्ड, मैं रोकूंगा ब्लड के फ्लो को। तो सेल से बोलती कैसे करेगा तू, तो वो ना पता है क्या करता है, वो ना कुछ कुछ केमिकल रिलीज करता है जिसके कारण ना कुछ कुछ, वेट मैंने फिर से वाइट ले लिया, जिसके कारण ना एक फाइबर सा बन जाता है। ठीक है, जहाँ पे अपन को चोट लगे ना वहाँ पे एक फाइबर का नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, ऐसा जाली टाइप की लग जाती है। ठीक है, और इसी जाली में ना खूब सारी सेल आके, ये जाली को मैं यहाँ पे बना रही हूँ, नहीं आदमी के पास बनाते हैं। ठीक है, ये ऐसी जाली बन गई है, मान लो वही ये जाली बन गई है। ठीक है, यहाँ पे हो गई ये जाली। हाँ, और इसी जाली में ना क्या होता है, हमारी खूब सारी ब्लड सेल्स आके चिपक जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो प्लेटलेट्स आके चिपकती हैं, ये लोग अपनी जान की कुर्बानी दे देती हैं, ये लोग चिपक गई हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी और भी बड़ी बड़ी सेल्स आके चिपक जाती हैं। ठीक है, ये RBC भी आके चिपक गई है। ठीक है, और ये लोग ऐसे चिपक जाती है ना ऐसे, तो फाइनली क्या होता है, रास्ता बंद हो जाता है ब्लड, जब वो बहुत सारी सेल्स चिपक गई तो ब्लड अब बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऐसे घाव भर जाता है। ठीक है, और ये पता है तुम लोग को दिखता भी होगा, जब भी कभी चोट लगती है तो कुछ ब्राउनिश ब्राउनिश सा बन जाता है ना, तो ब्राउनिश ब्राउन जो दिख रहा है वो अपना यही चीज़ है। ठीक है, अपनी बॉडी सेल्स अपनी कुर्बानी दे रही हैं ताकि ब्लड का लॉस नहीं हो। ठीक है, तो कभी भी उनको नहीं निकालने का, ओके, बिकॉज उसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है भाई। ठीक है, सो डू नॉट, ओके। तो ब्लड में अपना मेट्रिक्स क्या है, प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड में मेट्रिक्स हो गया प्लाज्मा, सेल्स कौन कौन सी हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, और इसके अलावा कुछ कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं जो कि ना घुली हुई होती हैं। ठीक है, डिजॉल्व प्रोटीन्स भी होते हैं, बढ़िया। ब्लड इसके अलावा ना ऑक्सीजन के अलावा ट्रांसपोर्ट करता है दूसरी चीज़ें भी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हॉर्मोन्स, और कई कई कुछ कुछ, जैसे हमारी बॉडी ने कुछ कुछ वेस्ट जनरेट किया है तो उसको लेके ना वो किडनी के पास जाता है, बोलता है एक किडनी प्लीज़ यार, किसी सेल को चाहिए नहीं है, तो मैं काम को उसको ठिकाने लगाओ। तो किडनी बोलती है ठीक है, मैं यूरिन बना ही रही हूँ तो उसके साथ मैं इसको भेज दूंगी। ठीक है, तो ये सब भी किडनी तक लेके जाता है अपना ब्लड, ब्लड पोस्टमैन है भाई, है ना। तो वो यहाँ की चीज़ वहाँ, वहाँ की चीज़ यहाँ पे करता है। अब नेक्स्ट है बोन। तुम लोग को पता है हमारी बॉडी में कितनी बोन्स हैं, हमारे पास है 206 बोन्स, पर जब हम लोग छोटे बच्चे हुआ करते थे ना तो हमारे पास थी 300 बोन्स, इतनी सारी। ठीक है, बच्चों के पास होती है ज़्यादा बोन्स हम लोग के कंपेरिजन में। असल में ना क्या होता है, उसमें ना ज़्यादा बोन्स इसलिए होते हैं क्योंकि, और हम जब बड़े होते हैं ना तो उनमें से कुछ कुछ बोन्स, ये मान लो ये दो टुकड़े में थी, ये लोग ना चिपक जाती हैं, ये लोग मिलके एक बोन बना लेती हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग के पास इन जोड़ जोड़ के टोटल 206 बच जाती हैं। ठीक है, बोन का फंक्शन क्या है, चलो, नंबर 1, टू प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क टू द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यार, ये ना इसका मतलब है कि बॉडी का ढांचा बना रहा है। ठीक है, मान लो तुम लोग ने ना, तुम लोग ने एक, तुम लोग के घर के पास एक खाली ग्राउंड, ठीक है, और तुम लोग ने वहाँ पे, तुम लोग खेल रहे हो कुछ कुछ, कुछ कुछ खेल रहे थे, ठीक है, और कोई चीज़ को तुम लोग डिग कर रहे थे, किसी चीज़ को निकालने के लिए तुम लोग ने खुदाई की, तो तुम लोग को दिखा कि उस ग्राउंड में ऐसे शेप की कोई हड्डियाँ मिल गई तुम लोग को, है ना। तो हम लोग इस, तुम लोग क्या, तुम लोग क्या लगा कि किसकी हड्डी है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस हड्डी के बेसिस पे बॉडी बनाना बना सकते हैं, इस जो भी ये लिबे हो गए थे उसकी, है ना। तो हम लोग इसके ऊपर ऐसे इमेजिन करेंगे कि हो सकता है यहाँ पर स्किन हो, है ना, ऐसा शेप है तो ऐसा कुछ होगी इसकी स्किन, ऐसा ऐसा होगा इसका स्किन, है ना, ऐसा हाथ होगा, ऐसा हाथ होगा, और ये ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम बोलेंगे ओ माई गॉड, मेरे को तो मिल गया डायनासोर। ठीक है, डायनासोर लग नहीं रहा है, बट लेट्स इमेजिन कि ये डायनासोर टाइप का दिख रहा है, ओके। तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि हड्डी जो है उसके बेसिस पे उसकी बॉडी होगी, मतलब हड्डियाँ जो है वो बेसिक फ्रेमवर्क दे रही है और उसके ऊपर बाकी चीज़ें आ रही है क्योंकि तो पूरे ऑर्गेनिज्म को बना रही है। ठीक है, जैसे इंसान की बॉडी में भी हड्डी होगी ऐसी ना, फिर उसके ऊपर स्किन होगा, मसल होगा, ये सारा होगा, तो उसके बाद इंसान इंसान बनता है ना। बेसिक फ्रेमवर्क तो हड्डियाँ ही पहुँचाती हैं, ठीक है, हड्डियाँ ही प्रोवाइड करती है, सॉरी। ठीक है, इसके अलावा सपोर्ट भी दे रहा है वो, ऑफकोर्स। तो हमारी बॉडी यदि हड्डियाँ नहीं होंगी तो ऐसे हम लोग ना ऐसे छोटू से मतलब हड्डियों के बिना हम लोग कैसे होंगे, ऐसे गुल्लू गुल्लू, ठीक है, बिल्कुल छोटे से ब्लॉब टाइप के बन जाएंगे हम लोग, जैसे होता है स्लाइम वैसे बन जाएंगे। ठीक है,
थर्ड क्या है, अटैच करता है मसल्स, हाँ मसल्स से अटैच होता है और मूवमेंट में मदद करता है हमारी, ठीक है। जब भी हम लोग कोई मसल को मूव करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा का पूरा हाथ मूव करें, ऐसा नहीं हो कि बस इतने से मूवमेंट हो, है ना। हम लोग बोलेंगे मैंने बस यहाँ, मैंने भले ही यहाँ का मसल को हिलाया पर मेरा पूरा हाथ हिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि मसल सारी कनेक्टेड हैं बोन से, ठीक है। ओके, तो बोन देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर ये बोन के अंदर भी भाई ज़िंदगी होती है, बोन के अंदर भी ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं, ठीक है। और बोन के अंदर कुछ कुछ सेल्स भी होती हैं, ठीक है। देखो तो कैसी सेल्स होती हैं, ये देखो ये अपनी बेचारी सेल्स यहाँ पे मरी हुई, सॉरी फंसी हुई है ना, ये फंसी है यहाँ पे। ऑस्टियोसाइट बोलते हैं हम लोग बोन की सेल्स को, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, OSTOCYTE। भाई ऑस्टियो कहीं पर दिख जाए ना, इसका मतलब हमेशा बोन होता है, ठीक है। एक एक चीज़ होती है ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें ना क्या होता है अपनी बोन्स ना कमज़ोर होने लगती हैं, बट माय पर्पसेस कि ऑस्टिया बहुत फेमस वर्ड है मेडिकल की लैंग्वेज में, ठीक है, और बोन्स के ही बारे में होता है ये। और साइट तो हमको पता है सेल्स को बोलते हैं, सेल से रिलेटेड है ना, तो ये ऑस्टियोसाइट है अपना, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ये इसका ही मच्योर और इमेच्योर फॉर्म है, ठीक है। ठीक है, बढ़िया। तो अपन को बहुत डिटेल में जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि भाई बोन के अंदर खूब एक्टिविटी होती है और हमारी बेचारी सेल्स फंसी होती हैं बहुत हार्ड मैट्रिक्स में, ठीक है। ये क्या है, इसके आसपास है एक हार्ड मैट्रिक्स जिसमें, जो किससे बनी है, जो बनी है कैल्शियम और फॉस्फेट से, ठीक है। चलो चलो लेट्स मूव ऑन भाई, आगे का देखते हैं क्या लिखे है। लिखा हुआ है कि कनेक्टिव टिश्यू के पास होता है अपना सेल, है ना। इसकी सेल्स क्या है, ऑस्टियोसाइट्स है। मैट्रिक्स क्या है इसका, बड़ा ही कड़ा सा मैट्रिक्स है जिसके पास है कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ठीक है। इसमें फाइबर्स भी होते हैं जो कि मैट्रिक्स में ही फंसे होते हैं, कूल कूल। नेक्स्ट नेक्स्ट इस कार्टिलेज, कार्टिलेज को हम लोग बोलते हैं जैसे कि सॉफ्ट बोन, ठीक है। ये है कार्टिलेज, देखो इसको छुओ, ये नॉर्मल स्किन की तरह नहीं है ना, अपने कान को छुओ वो नॉर्मल स्किन की तरह नहीं है, हाँ इसकी तरह नहीं है, इसकी तरह सॉफ्ट नहीं है, पर बोन की तरह हार्ड भी नहीं है ना। तो ये जो सब्सटेंस है जो ना कि बहुत सॉफ्ट है ना ही बहुत हार्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है। कहाँ पे होता है, ये अपने नोज में होता है, एक्सटर्नल ईयर में होता है, एक और जगह जहाँ पे होता है वो है बिटवीन बोन्स। हम लोग देखेंगे कि भाई दो बोन्स के बीच में ये कबाब में हड्डी नो एक्चुअली इस हड्डी में कबाब, क्या कर रहा है ये, ठीक है। ओके देखेंगे हम लोग, ठीक है, ओके ऑल राइट। हाँ मैंने ये क्या बना हुआ है, ये मान लो यहाँ पे ब्लड की मैट्रिक्स है, ठीक है, ब्लड की मैट्रिक्स ऐसी है बहुत लिक्विडी है, और ये बोन की मैट्रिक्स है जो कि खूब ही ज़्यादा हार्ड है ना। तो कार्टिलेज इनके बीच में कहीं आता है, ठीक है। इसकी मैट्रिक्स ऐसी है जेली लाइक है, और ये किससे बनती है, ये बनती है शुगर, शक्कर से, ठीक है। ओ माय गॉड सो स्वीट, शुगर और प्रोटीन से बनती है, ठीक है, इन दोनों से बनती है, और ये होती है जेली लाइक, ठीक है। ओके, तो वी विल रिमेंबर दिस भाई, कहीं ना क्वेश्चन आया तो ये ड्रॉ कर देना, अच्छा एग्जामिनर को लगा, अरे वाह मसली खेला है इसमें, ठीक है ठीक है। तो ये देखो थोड़ा कंपैरिजन चल रहा है बोन और कार्टिलेज के बीच में, ये देखो कार्टिलेज में ऐसी जेली लाइक मैट्रिक्स होती है ना, ये बनी होगी अपनी बहुत बहुत स्वीट मैट्रिक्स, कैल्शियम लिख रहा हूँ मैं, शुगर और प्रोटीन से बनी होती है ना, शुगर प्लस प्रोटीन, ठीक है। और इसके पास क्या होती है, इसके पास होती है कुछ कुछ सेल्स, ये देखो ये अपनी सेल्स हैं, ओके ऑल राइट थी, ठीक है। और बोन में ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ये अपनी बोन की सेल्स हैं, और बोन की मैट्रिक्स तो बहुत हार्ड होती है। कहाँ कहाँ है ये, नोज में है, ईयर में है, ट्राकिया में, विंड पाइप। भाई क्या होता है, हम लोग जो सांस लेते हैं ना, तो सांस हवा जो है वो एक पाइप के थ्रू गुजरती है, ठीक है, पर ये पाइप है खोखला, कुछ है नहीं इसके अंदर, है ना, तभी तो हवा जा पाती है। पर ये पाइप को हम लोग चाहते हैं कि पाइप हमेशा जिंदगी भर ऐसे ही खड़ा रहे, कोलैप्स नहीं हो जाए, मतलब कि जैसे कि हम लोग कोई खाली बॉटल लेते हैं ये तो भरी है, बट यदि इसमें कुछ नहीं होता तो मैं बहुत साइंसेस को पिचका सकती थी, है ना। तो मैं टू प्रिवेंट इसका क्या बोल सकते हैं कि ये कोलैप्स ना हो जाए, हम लोग दो काम कर सकते हैं, या तो इसके अंदर कुछ भर दें जो इसको कोलैप्स नहीं होने दें, या तो इसको कोई और तरीके से सपोर्ट दें, ठीक है। और हमारे ट्राकिया को भर नहीं सकते ऑफकोर्स, क्योंकि उससे हवा को पास करना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे सी शेप की ना रिंग लगा देते हैं इसके आसपास, ठीक है, ऐसे सी शेप की रिंग हो जाती है, मतलब कि यदि ये ट्राकिया है तो ऐसी ऐसी रिंग लगे होंगे इसमें, ठीक है, ऐसी ऐसी रिंग लगी है। किसकी बनी है ये रिंग, ये रिंग बनी है कार्टिलेज की, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये मेक श्योर करती हैं कि अपना ट्राकिया एक जगह पे रहे और पिचक ना जाए, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसे ही रहे, ऐसे पिचके ना बीच में,
ठीक है। तो यही पर्पस होता है कार्टिलेज का अपना ट्राकिया में। और कहाँ दिखती है देखो भाई, अरे हाँ लैरिंग से वॉइस बॉक्स में भी इसका काम होता है, ठीक है, वो बना होता है इसे। फिर तो एक और जगह जहाँ पे है ये, वो है बोन और बोन के बीच में, ठीक है भाई साहब। क्या होता है अपनी दो बोन जो है ना, जैसे यही ये बात कर लो, चलो मेरा जो हाथ है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, यहाँ पर एक बोन है, यहाँ पर एक बोन है ना। और ये जो दोनों बोन्स हैं, इसको मैं जिंदगी भर बहुत बार ऐसे मोड़ूंगी, खूब सारा काम करूंगी इनके साथ, है ना। और ये और तुम लोग को पता है, जब दो चीजें आसपास रब होती हैं तो खूब सारा फ्रिक्शन आता है ना। और बोन तो इतना कड़ी चीजें हैं, ऑब्वियसली इसके बीच में बहुत फ्रिक्शन आएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग जब मशीन वशीन फ्रिक्शन का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उसमें तेल लगा देते हैं ना, तेल लगा देते हैं, बिल्कुल वैसे ना हम लोग को हाथ के भी फ्रिक्शन में तेल लगाना पड़ता है, ठीक है। और वो तेल क्या होता है, वो तेल होता है अपना कार्टिलेज, ठीक है। अपन स्वीट स्वीट कार्टिलेज को इनके बीच में कर देते हैं, ए लड़ाई झगड़ा मत करो, इतना फ्रिक्शन नहीं चलेगा, प्लीज अच्छे से रहो, ठीक है। अपना कार्टिलेज करता है ये चीज, इन दोनों के बीच में आके फ्रिक्शन कम करता है, ओके ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, दो बोन के बीच में लगा हुआ है ये, ठीक है। अपन भी ऐसे बना देते हैं ऐसा शेप का, ये लो मस्त, ठीक है। कार्टिलेज क्या करेगा, दो बोन्स के बीच में उनके फ्रिक्शन को कम करेगा, राइट। सेल्स ऑफ द कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट, भाई बोन की सेल है ऑस्टियोसाइट, ये है अपनी कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट, ऑलराइट, व्हिच आर लूजली अरेंज्ड इन जेली लाइक मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन शेकर। हाँ भाई ये देख लिया तो अपन ने। अब आता है अपना टेंडन और लिगामेंट। अब ये जब ये कब आता है, ये तब आता है जब ना बात होती है बोन को कनेक्टिविटी बनाने के लिए, मतलब लिटरली फेविकॉल की तरह एक्ट करता है लोग, ठीक है। अपना जो लिगामेंट है ना, ये जोड़ता है बोन टू बोन, ठीक है भाई। कंफ्यूजन होती है कि बोन बोन को बोन से कौन जोड़ता है और बोन को मसल से कौन जोड़ता है, तो इसके लिए मैंने बनाया है बल्ब, ठीक है। ऐसे माइंड करो कि तुम लोग बल्ब लगा रहे हो, ठीक है, तुम लोग बल्ब लगा रहे हो, तो तुमको यहाँ की हड्डी और यहाँ की हड्डी को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो जब भी आए कि लिगामेंट क्या काम करता है, तो अपने याद करेंगे बल्ब को, बल्ब लगा रहे हैं अपन लोग, ठीक है। टेंडन या लिगामेंट में कोई भी क्वेश्चन आए तो माइंड करो तुम लोग बल्ब लगा रहे हो, बल्ब, ठीक है। बल्ब में बी से वन बोन, बी से बोन टू, और एल फॉर लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट जोड़ता है बोन को बोन से, ठीक है भाई, कोनो प्रॉब्लम ना ही ना, चलो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज लिगामेंट। लिगामेंट क्या करेगा ना, सॉरी, अच्छा लिगामेंट का ये तो बनाया मैंने, ये देखो ये दो बोन्स के बीच में लिगामेंट लगा हुआ है ना। और लिगामेंट जैसे जैसे हम लोग ऐसे करेंगे बोन, तो लिगामेंट को स्ट्रेच होना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे ऐसे आसपास चिपके हुआ है आराम से, जब हम लोग ने मोड़ लिया तो लिगामेंट भी बड़ा हो गया, है ना। तो लिगामेंट को होना पड़ता है बहुत ज़्यादा इलास्टिक, ठीक है, बहुत इलास्टिक होता है ये, कनेक्ट करता है बोन को बोन से, ठीक है, दिल को दिल से मिलाता है। इसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, ये मजबूत भी है और फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। मतलब कि ऐसा ऐसा मजबूती के साथ साथ ऐसा भी कि अपन उसको थोड़ा खींच सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इलास्टिसिटी भी ज़रूरी है ना, यदि हम उसको मजबूत तो बना दें पर उसमें बिल्कुल खिंचाव नहीं हो पाए तो फिर मतलब ही क्या उसका, है ना। तो इसके पास दोनों है, स्ट्रेंथ भी है फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और इसके पास मैट्रिक्स कम रहता है, ठीक है, मतलब कि जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो कम होता है, ठीक है। दूसरा जाता है अपना टेंडन, रवीना टेंडन। टेंडन क्या करता है, टेंडन बोन को मसल से चिपकाता है, ठीक है। बोन को बोन से चिपकाना है तो अपन कौन सा फेविकॉल लगाते हैं, अपन लगाते हैं लिगामेंट को, पर बोन को जब मसल से चिपकाना है तो हम लोग लगाते हैं टेंडन, ठीक है, ये टेंडन है अपना। अब देखो भाई, मैं जब हड्डियाँ मोड़ रही हूँ तो मेरे को ज़रूरत है इसलिए कि जो इसके बीच में है, दो हड्डी के बीच में है, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, पर टेंडन में टेंडन को फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि टेंडन तो चिपका रहता है पूरे टाइम, वहीं पर रहेगा। तो टेंडन में टेंडन जो होता है ये कम फ्लेक्सिबल होता है, पर स्ट्रेंथ इसमें भी होती है, ठीक है, ये भी मजबूत है पर कम फ्लेक्सिबल है, ठीक है, बढ़िया। तुम लोग को पता है कभी कभी ना हम लोग जब कुछ ज़्यादा एक्सर्ट कर देता है बोन को तो लिगामेंट टेयर आ जाता है, मतलब दो बोन्स को ना कुछ ज़्यादा इधर से ज़्यादा एक दूसरे से दूर खींच लिया, मान लो किसी का एंकल, किसी की एड़ी बहुत ऐसे गोल गोल घूम गए, ठीक है, तो ना लिगामेंट टेयर हो जाता है कभी कभी, और वो बहुत दर्दनाक होता है। मेरे फ्रेंड्स को, कुछ एक दो फ्रेंड्स को हुआ है तो वेरी वेरी पेनफुल। ओके ये जो है ना, इस फोटो में ना इन लोग दिखा रहे हैं कि खूब सारे टिश्यूज हैं, ये देखो ये अपनी जो स्किन है ये बनी है एपिथेलियल टिश्यू से, स्किन के अंदर मसल है, ये जो मेरी बाइसेप्स है ना, ये देखो मेरी स्ट्रॉन्ग बाइसेप्स, ये एक मसल है, ठीक है, ओके, ये मस्कुलर टिश्यू आ गया। फिर क्या है, अपना नर्वस टिश्यू है जो कि क्या कर रहा है,
इंफॉर्मेशन को यहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना। फिर क्या है अपना, हाँ ब्लड जो है, जो ब्लड यहाँ पे दौड़ रहा है, मैं दौड़ रहा है ये अपना पोस्टमैन, जो कि टिश्यू एक चीज़ को वहाँ यहाँ से वहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर रहा है। फिर अब मैं दोनों के बीच, दोनों बोन के बीच में कार्टिलेज यहाँ पर देख लिया है ना। फिर इन लोग बोन की बात करें, बेसिकली मैं इन लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखो हाथ में अपन को सारे के सारे टिश्यूज का एग्जाम्पल मिल सकता है, ठीक है। फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें आ जाता है अपना एरियोलर टिश्यू, अपन बात करेंगे इसके बारे में, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ भाई। ओके ओके वेट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, सेम थिंग सेम थिंग है ना, वही दिखा रहा है कि हाथ में अपन को सब कुछ दिख गया है। ये देखो यहाँ पे अपना कार्टिलेज दिखाया हुआ है, ये पूरा कार्टिलेज है, ठीक है। ओके लेट्स लेट्स मूव ऑन। चलो एरियोला कनेक्टेड टिश्यू, एरियोलर भाई तुम्हें को याद है जब लोग प्लांट्स पढ़ रहे थे तो अपने देखा था कि प्लांट्स में हर जगह भरा है पैरेन्काइमा, है ना। वैसे ना अपनी बॉडी में हर जगह भरा होता है एरियोला कनेक्टेड टिश्यू। एरियोला ना अपनी बॉडी का फेवरेट टिश्यू है, ठीक है। फिर भी कोई किस कोई इसके बारे में बात करता ही नहीं है। क्या इस क्लास से पहले तुम लोगों ने कभी सुना था एरियोलर का नाम? नहीं ना, मतलब क्या है ये, बेचारे को उसका हक ही नहीं मिलता। एरियोलर कनेक्टेड टिश्यू क्या है, वेरी वेरी फेमस, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है अपनी बॉडी का, फिलर टिश्यू। बॉडी को जहाँ पे भी खाली जगह मिल रही है वो वहाँ पे डाल देता है इसको, ठीक है। कैसा दिखता है ये, चलो इसके अंदर घुसते हैं, देखते हैं हम लोग। ये याद रखना है अपन को, ठीक है, ये फिलर टिश्यू है और मोस्ट अबंडेंट टिश्यू अपनी बॉडी में, ठीक है। चलो तो कैसा दिखता है अपन देखते हैं। तो देखो क्या होता है, इसमें भी कुछ कुछ सेल्स होंगे, है ना, जो कि ये अपनी सेल्स कहाँ गया, ये है ना, ये अपनी सेल है, ठीक है। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ये अपनी सेल है, और ये जो इसके आसपास ये निकल रही है ये रेशे रेशे, ये असल में फाइबर्स, और इन फाइबर्स को ना ये खुद ही बनाता है, ठीक है। इस सेल का नाम है फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। और फाइब्रोब्लास्ट क्यों रखा है इसका नाम, क्योंकि ये बनाता है फाइबर्स को, ठीक है। प्लस इसकी ऑब्वियसली कोई मैट्रिक्स होगी, इसकी मैट्रिक्स होती है लूज जेली लाइक, ठीक है। और इसके अलावा अपन को दिख रहा है एक मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या है, मैक्रोफेज एक वाइट ब्लड सेल है, ठीक है, जो कि जैसे बैक्टीरिया को देखेगा तो वो अपना मुंह फाड़ेगा और बैक्टीरिया को मुंह के अंदर कर लेता है ना। ये लोग पता है क्या करते हैं, इन लोग में जैसे बैक्टीरिया दिखता है ना तो इन लोग पीछा करते हैं, जैसे चोर पुलिस करते हैं लोग, ठीक है, उसका पीछा करेगा और फिर जैसे ही उसको मौका दिखा उसने भुक पूरा अंदर बैक्टीरिया का काम तमाम। ओके इसके अलावा अपन को कुछ कुछ एडिपोसाइट भी दिख रहा है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ये देखो ये अपना और WBCs है, ठीक है। तो तुम लोग समझ गए होगे क्या है, कुछ कुछ फाइब्रोब्लास्ट है जो कि एक जेली लाइक मैट्रिक्स के अंदर है, और कुछ कुछ मेहमान भी आते हैं लोगों से मिलने के लिए, जैसे कि अपने मैक्रोफेज है ना इम्यूनिटी वाला, और एक मास्ट सेल भी दिख रहा है यहाँ पे मेरे को। मास्ट सेल क्या करता है, एलर्जिक रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ओका 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 लेट्स मूव ऑन। सेल्स लाइक फाइब्रोब्लास्ट ब्लास्ट्स आर एम्बेडेड इन जेली लाइक मैट्रिक्स, है ना। कोई पूछेगा एरियोलर का क्या सीन है भाई, क्या होता है उसके अंदर, तुम बोलोगे कुछ कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट जो कि एम्बेडेड होते हैं एक जेली लाइक मैट्रिक्स में, ठीक है। जो बूढ़े लोग होते हैं ना उनके पास कम मैट्रिक्स होता है, उनका जो जो एरियोलर कनेक्टेड टिश्यू होता है ना वो ज़्यादा बना नहीं पाता है मैट्रिक्स को, है ना। तो उसके कारण क्या होता है, उनको रिंग का साइन लगता है, ठीक है। हमने क्या बोला, ये फिलर टिश्यू है ना, हर जगह पे है, ये फिलिंग कर रहा है, इसलिए हमारे गाल फूले हुए हैं, है ना। पर यदि अपना आ जाएगा कि ये जो फिलिंग मटेरियल है वो उसकी कमी पड़ गई तो धीरे धीरे नीचे आने लगती है स्किन, है ना, रिंग का साइन लगता है। क्यों आने लगता है, क्योंकि इसकी कमी हो गई है, ठीक है। ओके इसके अलावा अपनी जो अपना ये जो टिश्यू है ना एरियोला कनेक्टेड टिश्यू, इसके पास होते हैं दो प्रकार के फाइबर्स। एक होता है कोलाजन जो कि मजबूती देता है, ठीक है। दूसरा है इलास्टिन। भाई तुम लोग यदि अपनी स्किन को खींचने की कोशिश करो तो कुछ हद तक तो बाहर निकल के आ रही है ना, थोड़ी तो इलास्टिसिटी है ना, यहाँ पे पकड़ लो, कुछ तो इलास्टिसिटी है, थोड़ा तो निकल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं निकल रहा है, थोड़ा निकल रहा है। पर तो वो जो थोड़ा सा निकल रहा है ना वो इसलिए निकल पाता है कि किसमें होता है इलास्टिन, ठीक है। एक और जो फाइबर है उसका नाम है कोलाजन, ये इसको मजबूत बनाता है, ठीक है। दिस टिश्यू हैज स्ट्रेंथ एज वेल एज इलास्टिसिटी। लोकेशन क्या है इसका भाई, चलो लोकेशन के साथ साथ फंक्शन भी करते हैं, ठीक है। बिटवीन स्किन एंड मसल्स, कनेक्ट करता है स्किन को मसल्स से, है ना। हमारी जो स्किन है, हम लोग चाहते हैं कि हमारी स्किन जो है वो ऐसा ना हो कि एक बार पकड़ने से पूरी निकल आए, नहीं, उसको मसल के साथ जोड़ के रखना है भाई। तो उसके लिए अपना आता है सीमेंटिंग टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, ठीक है। अराउंड नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, भाई ब्लड वेसल्स होती है नाजुक, है ना, तो उनको अपन को
थोड़ा सा आसपास अपन डाल लेते हैं, ऐसे ऐसे सोचो अमेजोन वाले भाई भाई अमेजोन वाले भैया आ रहे हैं, तो उनने कुछ नाजुक सा आइटम रखा है अपने पास, है ना, तो क्या करते हैं उसमें बबल रैप के साथ रैप कर देते हैं या कुछ थर्माकोल डाल देंगे, बिल्कुल वैसे ही ना अपन लोग क्या करते हैं अपने नाजुक नाजुक ब्लड वेसल्स के अराउंड एरियोला कनेक्टेड टिश्यू को डाल देते हैं, ठीक है, जो कि फिलर टिश्यू का काम करता है। ओके, बोन मैरो में भी मिलता है हम लोग को ये, मतलब बोन मैरो में क्या कर रहा है, इनर इंटरनल ऑर्गन्स जो है ना उनको सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है, और स्पेसेस इनसाइड ऑर्गन्स टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। भाई वही लॉजिक है यार, देखो तुमने जो दिल बनाया है ना, दिल वैसे तो बहुत नाजुक नाजुक सही चीज़ों से बनाया है, और दिल के अंदर कुछ कुछ जगह अपन खाली छोड़ देंगे तो क्या होगा, दिल अपना कोलैप्स कर सकता है ना, तुम लोग यदि बॉटल को खाली छोड़ोगे तो बहुत आसानी से पिचक सकती है, पर यदि अपन उसमें कुछ भर दें तो वो नहीं पिचक पाएगी, है ना, तो बिल्कुल यही यही लॉजिक यूज़ करके अपन क्या करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए अपनी जो ऑर्गन के ऑर्गन में जगह बची हुई है उसको भर देते हैं एरियोला कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है, बढ़िया। इसका एक और इसका हाँ, तो ये सारे फंक्शन है क्या है, कनेक्ट करता है स्किन को मसल से, एक्ट करता है फिलर टिश्यू के रूप में, सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, और ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी, है ना। इसके अलावा एक और फंक्शन है इसका, क्या है, रिपेयर ऑफ टिश्यूज, ठीक है, अपने जो फाइब्रोब्लास्ट हैं हमने देखा था कितने अजीब अजीब सेल्स ऐसे ऐसे दिख रहे थे, है ना, ऐसे ऐसे दिख रहे थे ऐसे ऐसे, है ना, और ये फाइबर बना रहे थे, तो ये जो अपने फाइब्रोब्लास्ट हैं ये लोग क्या करते हैं, ये फाइबर बना बना के तुम लोग को जो भी चोट होती है ना उसको रिपेयर कर देते हैं। तुम लोग के पास कभी तुम लोग कभी आप ऑब्वियसली गिरे होंगे बचपन में, तो आई एम श्योर तुम लोग के घुटने में हाथ में कहीं तो ऐसा दाग होगा, निशान होगा चोट का, है ना, तो वो जो चोट का निशान है वो हमारे नॉर्मल टिश्यू से अलग दिखता है, हमारे नॉर्मल स्किन से अलग दिखता है, क्यों दिखता है, क्योंकि ना उसको उसका रिपेयर किया है एक दूसरी सेल है जो कि फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट क्या करती है अपनी फाइबर छोड़ छोड़ के अपनी बोन की हीलिंग कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया है, ये ना मेरा भाई है असल में, वो ना बच्चों ने एक बार क्रिकेट खेल रहा था, तो वो पीछे कर रहा था फील्डिंग, आगे मेरा कजिन कर रहा था बैटिंग, ठीक है, तो जो आगे ये बैटिंग कर रहा था ना इसने एक बार बैट उठाया और उसके आईब्रो में बहुत ज़ोर से लगा था, तो उसका आईब्रो में ना अभी तक ये स्कार ऐसा निशान बना है, ठीक है, बट ऑब्वियसली जब लगा था तब तो बहुत गहरा दाग था, है ना, ब्लड निकल के आ गया था अंदर, काफ़ी अंदर सा दिखने लगा था, तो उस टाइम तो बड़ा डेंजरस दिख रहा था, पर अपने फाइब्रोब्लास्ट ने कमाल दिखा दिया और उसको हील कर दिया, तो अपना उसके पास यहाँ पे एक स्कार बन गया है, ठीक है, एक ऐसा निशान बन गया है, तो वो बहुत फ्लॉन्ट करता है कि देखो मेरा सेक्सी स्कार, मेरा आईब्रो में कट है, ठीक है, तो जो तुम लोग के पास भी जो भी सेक्सी स्कार्स है ना वो इसी के बदौलत मिले तुम लोग को, ठीक है, किसके बदौलत, एरियोला कनेक्टिव टिश्यू की बदौलत, ठीक है। अब हम लोग आ गए अपने लास्ट कनेक्टिव टिश्यू के पास जो कि है एडिपोज टिश्यू, ठीक है, एडिपोज टिश्यू को हम लोग बोलते हैं फैट टिश्यू, ठीक है, इसकी जो सेल्स होती है उनको फैट बहुत पसंद होता है, इन लोग फैट, इन लोग को जैसे फैट दिखता है तो उन लोग अपने अंदर अपने अंदर कर लेती हैं, ठीक है, तो अब मैं अब ये बताओ इनमें से किसके पास ज़्यादा एडिपोज टिश्यू है, इसके पास, मोटू के पास या पतलू के पास, ऑब्वियसली इसके पास, है ना, मोटू अपना विनर है, नंबर वन एडिपोज टिश्यू, ठीक है, उच्चतम क्वालिटी वाला एडिपोज टिश्यू, इसके एडिपोज टिश्यू बहुत खुश है क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा फैट आता है जो कि उन लोग खा सकते हैं। कैसे दिखता है ये, इसके पास कुछ मैट्रिक्स होगा, ठीक है, आसपास कुछ कुछ मैट्रिक्स होता है, और इसकी जो सेल्स होती है ना, ये लोग क्या करते हैं, इनकी सेल्स का नाम है एडिपोसाइट, ठीक है, ये अपनी एडिपोसाइट, तो ना ये लोग क्या करते हैं, इनको जैसे ही आसपास दिखता है फैट, ये लोग उसको उठा के पूरा अंदर कर लेते हैं, ठीक है, देखो इतना बड़ा सा ये जो दिख रहा है ब्लू ब्लू, ये है फैट, ठीक है, इन लोगों ने इतना सारा फैट अंदर किया है कि देखो इसका न्यूक्लियस साइड में आ गया, न्यूक्लियस को कोई इज्जत नहीं मिल रही, उसने बोला न्यूक्लियस है ये तो तेरे को रहने की जगह दे रहा हूँ उतना ही बहुत है, ठीक है, इसने न्यूक्लियस को कोई इज्जत नहीं दी, न्यूक्लियस को साइड में कर दिया, इतना सारा फैट भरा है इसने, है ना, ठीक है, तो ये होता है अपना एडिपोसाइट। कहाँ पर मिलता है, स्किन के अंदर मिलता है, ठीक है, और इसका काम क्या होता है, स्किन के अंदर इंसुलेट करता है बॉडी को, मतलब कि बॉडी के अंदर की जो हीट है उसको बचा के रखता है, ठीक है, तुम लोग कभी भी आसपास की चीज़ों को छुओ, आसपास जो भी दिख रहा है जैसे मैं ये पेन को छोड़ रही हूँ तो आई कैन फील कि ये थोड़ा ठंडा है ना, पर हमारी बॉडी कंपेयर टू द एनवायरनमेंट गर्म होती है ना, तुम लोग प्लांट्स को छोड़ो, प्लांट्स की बॉडी हमेशा ठंडी होती है क्योंकि उन लोग नहीं करते टेम्परेचर मेंटेन, पर हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इस बात के लिए कि हमारे बॉडी में 37 डिग्री रह आए टेम्परेचर, ठीक है, तो इसको अपन को क्या करना होता है, अपन को जैसे अपन लोग थर्मस यूज़ करते हैं, थर्मस की वॉल्स ऐसी होती है कि वो हीट को बाहर जाने से रोकती हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारा एडिपोज टिश्यू भी हीट को बाहर जाने से रोकता है, ठीक है,
तो स्किन के अंदर होता है और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होता है ये, ठीक है। और वो क्या करता है, उन ऑर्गन्स को कुशनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब कि तुम ऐसे एक काम करो, ऐसे करके अपनी आईज को प्रेस करो, आई बॉल को, ऐसा फील हो रहा है कि इसके पीछे कोई तकिया रखा है, हैं सॉफ्ट सॉफ्ट जगह पे जा रहा है ये, है ना। तो ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये सही में कुशन में है, ठीक है। कहाँ पे है ये, अपना एडिपोस टिश्यू के बेड में, के पिलो में, के तकिए में है, ठीक है। ओके, कुशनिंग प्रोवाइड करता है, जैसे अपनी आई बॉल को करता है वैसे अंदर के ऑर्गन्स को भी करता है, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि पोलर, अच्छा ये स्किन के अंदर होता है, तो जो लोग ऑब्वियसली थोड़े फैट होते हैं, जो ज़्यादा हेल्दी होते हैं लेट्स से, उनके पास ज़्यादा होता है ये टिश्यू, है ना। तुमने देखा है जो लोग थोड़े ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उन लोगों को गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पता है ऐसा क्यों होता है, और ठंड में उनको कम ठंडी लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना उनके पास बहुत अच्छी कवरिंग है, जो कि उनको गर्मी में उनकी हीट को बाहर जाने से रोक रही है, तो उनको और ज़्यादा गर्मी लग रही है, और ठंड में वो एक्स्ट्रा ठंड को अंदर आने से रोक रही है, तो इसलिए उनको कम ठंड लग रही होती है, ठीक है। वैसे ही ना अपना पोलर बेयर जो होता है, जो कि तुमने देखा होगा अपने, अपना वाइट कलर का सुंदर सा भालू होता है, जो कि ऐसे मछली पकड़ता रहता है वाइट आइस के बीच में, बर्फ़ के बीच में रह रहा है, बर्फ़ की चट्टानों में एकदम आलीशान तरीके से। तो वो इतने आलीशान तरीके से क्यों रह पाता है, जबकि हम लोग वहाँ गए तो हम लोग तो बिल्कुल ठिठुर जाते हैं ना। तो वो इसलिए रह पाता है क्योंकि ना इसके पास बहुत मोटी, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर होती है एक एडिपोस टिश्यू की, जो कि उसकी बॉडी को इंसुलेट करती है और ठंड से बचाती है, ठीक है। प्लस विमेन जो होती है उनके पास ना ज़्यादा फैट होता है, इसलिए विमेन शादियों में, जब ठंड की शादी होती है, तो उसके टाइम भी बिना स्वेटर के जा सकती हैं, पर मैं नहीं जा सकते हैं, ओके, ठीक है। विमेन में 10-20% ज़्यादा फैट होता है, ओके, राइट। फंक्शन क्या क्या होता है अपने एडिपोस टिश्यू का, भाई देखो, एक तो अपने देख लिया, इंसुलेट करता है अपनी बॉडी को, ताकि बाहर के टाइम ऐसा नहीं हो कि बाहर बहुत ठंडी आ गई तो अपन की बॉडी भी जम जाए ठंड में, है ना, नहीं। उसको क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, तो वो प्रोटेक्ट करती है बिल्कुल थर्मस की तरह। नेक्स्ट इज फैट स्टोर, जिसको भाई तुम लोगों को पता है फैट से ना बहुत तगड़ी एनर्जी बनती है, खूब ज़्यादा एनर्जी बनती है, पर अपना अब तो अपनी बॉडी क्या करता है, अपनी बॉडी बोलती है फैट आ रही है ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं फैट को अभी यूज़ नहीं करता एनर्जी बनाने के लिए, मैं पहले शुगर से बना लेता हूँ, फैट तो इतनी सारी एनर्जी देता है मेरे को, तो मैंने इसको बचा के रखता हूँ, ताकि जब खाने की कमी होगी तो मैं इससे एनर्जी निकाल सकूँ, ठीक है। तो फैट एक बहुत अच्छा एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है, पर अपनी बॉडी को ना पसंद है ज़्यादा शुगर, ठीक है, तो वो कार्ब्स को सबसे पहले खाता है, कार्ब्स जब ख़त्म हो जाती हैं तब वो जाता है फैट में, ठीक है, ओके। थर्ड इज़ कुशनिंग द इंटरनल ऑर्गन्स, भाई अपनी आई बॉल्स को अच्छा अच्छा तकिया बन रहा है, ठीक है, उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ना, ठीक है। तो ओके, इसके साथ ही हमारा ख़त्म हो जा रहा है कनेक्टिव टिश्यू, आई होप मज़ा आया होगा। और यदि आपके पास क्वेश्चंस है अबाउट कुछ भी यार, कि आगे क्या पढ़ना है, ठीक है, और या फिर मेरा लाइफ एट IIT, या मैं क्यों गई थी IIT और मैं बायो क्यों पढ़ा रही हूँ, जो भी डाउट्स हो, या आगे कौन से चैप्टर्स पढ़ाने चाहिए, कौन सा टॉपिक लेना चाहिए, प्लीज़ कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू देम, एंड आई वॉन्ट टू हैव योर फीडबैक, ताकि हम लोग अच्छे से चल सकें, ठीक है। तो ऑलराइट, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक करो, और सब्सक्राइब भी करो। बाय दोस्तों, बाय दोस्तों, कल मिलेंगे।